हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजना रेसिपी। आज हम हलवा बनाएंगे मूंग दाल का। मैंने मूंग दाल भिगा लिया है, एक पाव के करीब लिया था मैंने, भिगा लिया है। अब मैं इसको घी में भून लेती हूँ। ये मैंने पैन गरम करने रखा है, ये गरम हो गया है। अब इसमें मैं घी डालूंगी। मैंने इसमें घी डाल लिया है। इसको गरम होने को दूंगी मैं। हमारा घी गरम हो गया है। अब इसमें ये जो मूंग दाल है, ये हमने मूंग दाल भून लिया है घी में। अब हम इसको अब मैं इसको इसमें पीस लेती हूँ मिक्सी में। ये मैंने पीस लिया है मूंग दाल। अब मैं हलवा बनाती हूँ। मैंने पैन में घी डाल लिया है। अब मैं इसमें दालचीनी और लौंग भी डालूंगी। अब मैं ये पीसा हुआ दाल इसमें डाल के भून लूंगी। इसको भून लेना है। इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक भून लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची के पाउडर, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। एक कप से थोड़ा कम लिया है मैंने। आप अगर ज्यादा पसंद करते हो तो डाल सकते हो ज्यादा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बादाम, काजू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बादाम ऐड किया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसमें दूध, अच्छे से चलाएंगे इसको, अच्छे से चलाएंगे हम। थोड़ी देर इसको लो फ्लेम में हम पकने देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। इसको अच्छे से चलाएंगे हम थोड़ी देर। हमारा हलवा बन गया है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए हलवा बन गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू।